अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत खूबसूरत सा नेकलाइन बनाएंगे और ये इसका जो पैटर्न है वो आपको मेरे पिंटरेस्ट पेज से मिल जाएगा और पिंटरेस्ट पेज का लिंक जो है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसे हम एंकर के, आप इसके लिए एंकर, DMC, वॉल, कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली इसमें ये वाला जो ग्रीन लिया है ये लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है, बटरफ्लाई के नाम से है, ये बटरफ्लाई नाम से है और ये 100% कॉटन है इसमें और 1236 इसका नंबर है। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, कोई किसी भी ब्रांड का धागा जो लोकल आपको मिल जाए कॉटन वैरायटी थ्रेड, सिर्फ आपने उसका कलर चेक करना है कि उसका कलर ख़राब ना होता हो वाश करने से। इसके 6 स्ट्रैंड्स होते हैं और मैंने इसके ये 3 स्ट्रैंड्स लिए, ये मैंने 2 टोन में लिया है धागा जो है। पहले हम जो ग्रीन वर्क है वो कर लेते हैं। ये वाली यही जो बेल है ये आप बाजुओं के आगे भी डाल सकते हैं, आपने चौक के ऊपर अगर डालना चाहे या दामन के ऊपर डालना चाहे तो दामन के ऊपर भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका किसी और शेप का नेक है, अगर किसी और शेप की नेकलाइन है तो आप फिर यूँ इस तरह से इस बेल को इस तरह से ला सकते हैं, उसी तरह से नीचे से। ये बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है, आपने इनके स्टिचेस को अच्छी तरह से देखना, बहुत सिंपल स्टिच है लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगती है बनी हुई। इसे ज़रूर बनाइएगा, अगर जब बन जाए तो फिर आप प्लीज अगर चाहें तो मेरे साथ इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। नेक लाइन का ये है कि इसमें जितनी भी ये जो लाइनें होती हैं ना, ये वाली, ये मोस्टली स्टेम स्टिच के साथ ही बनती हैं, क्योंकि या तो बहुत बड़े बड़े फ्लावर हों तो उनकी लाइनें हम डिफरेंट स्टिचेस के साथ बना सकते हैं, जैसे चेन स्टिच, जैसे आप मोती टांके के साथ बना सकते हैं, लेकिन ये छोटी वाली हैं तो इसलिए हम इसे स्टेम स्टिच के साथ ही बनाएंगे। और ये नेकलाइन बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप कोई और स्टिच बनाना शुरू करेंगे ये लाइनें बनाने के लिए तो उसके लिए आपको फिर काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए मैं उसी में से गुजार रही हूँ दोबारा, बिल्कुल स्ट्रेट बना रही हूँ मैं। साइडों पे बनाए तो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बना रही हूँ। इसी तरीके से हम ये सारी बना लेंगे।
ये मैं इसकी 6 स्ट्रैंड्स ले रही हूँ। और ये देखिए, ये कॉटन बड का है, ये स्ट्रॉ जो है ये कॉटन बड के साथ, वो मैंने कॉटन आगे से काट दिया है और ये हम यूज़ करेंगे।
ये देखें कितना खूबसूरत सा ये नेकलाइन बन गया। आप यही वाले जो आप ये डिफरेंट कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और सेम कलर से भी आप सारे के सारे फ्लावर्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का खूबसूरत सा नेकलाइन, होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ से फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।